कोरोना वायरस के चलते सब तरफ सावधानी बरती जा रही है। इसी के चलते बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, हम सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भारत सरकार के भी संपर्क में हैं। इतना जरूर आप सब लोगों के माध्यम से मैं बिहार के लोगों से अपील आग्रह करना चाहूँगा कि इसको लेके बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अभी तक कुल 49 सैंपल्स हमारे पास आए हैं, उन सैंपल्स के जांच रिपोर्ट 45 के आ गए हैं। 45 के रिपोर्ट जो आए हैं वो निगेटिव हैं। 3 रिपोर्ट अभी अवेटेड है जो बाद में गया है। 1 सैंपल रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब सैंपल जाने में कोई दिक्कत हुई होगी। मतलब अभी तक एक भी केस बिहार में पॉजिटिव नहीं आया है। बिहार की सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था रखी गई है, ये सैंपल्स भी लिए गए हैं। और वहाँ यदि कोई जांच कराना चाहता है तो जो विदेश से आए हों, जिनको कहीं भी किसी तरीके की शंका लगती हो, तो हमारे सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी जांच की व्यवस्था, मतलब सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था रखी गई है। पहले ये सारी जाँच पुणे वायरोलॉजी लैब में भेज के करा रहे थे। NICED है, ये कलकत्ता के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलरा एंड एंट्रिक डिजीज, वहाँ पर इसकी जांच की जा रही है। सारे सैंपल्स की जो भी केसेज हमारे पास उसकी हम जांच करवा रहे हैं, और के 49 में 45 रिपोर्ट आए हैं जो सभी के सभी निगेटिव पाए गए हैं। इस बीच में 19 से 23 फरवरी के बीच जो नेपाल से सटी हुई सीमा है, उस सीमा से जो लगे हुए जिले हैं, जो वो पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, मधुबनी हो, अररिया हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, ऐसे सभी जिलों में इस टीम ने भ्रमण किया और भारत सरकार की तरफ से जो कुछ उन सब लोगों को देखना परखना था वो सारी काम उन लोगों ने किया है और हम सतत निगरानी रख रहे हैं। बिहार के लोगों से अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिहार में अभी तक एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।